मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि जब तक वो कहावत है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जब तक फैंस इनको लताड़ नहीं देते, फैंस इनको बुरी तरीके से एक्सपोज नहीं कर देते, तब तक ये लोग तो बात मानते ही नहीं है। और ऐसा ही कुछ हुआ। मैं राहुल को स्वागत करता हूं आपका फीफाफूज में, बिग बॉस बोले तो फीफाफूज, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें। आप लोगों को मैंने ही बात बताई थी दोस्तों कि किस तरीके से बिग बॉस के फैंस और इनफैक्ट रुबीना दिलैक के फैंस जो हैं वो भौकाल मचाए हुए हैं। उन्होंने जो है कंप्लेन रेज किया है, एक ओपन लेटर लिखा है वोट को, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, और वो ट्रेंड मास्टर का था, राइट। अब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिग बॉस ने फाइनली ट्रेंड मास्टर ऑफ दिस वीक अनाउंस कर दिया, एंड एज यूजुअल शी इज नन अदर देन रुबीना दिलैक। जी हाँ दोस्तों, रुबीना दिलैक को इस हफ्ते का ट्रेंड मास्टर बना दिया गया है, एंड उन्होंने टाइटल भी लिखा है, देयर इज नो डाउट दैट रुबीना दिलैक हैज द बेस्ट फैंस हु मेड हर बिकम द बीबी ट्रेंड मास्टर वंस अगेन। आर यू रेडी फॉर द न्यू ईयर स्पेशल ट्रेंड बैटल? फिर उसके बाद उन्होंने बिग बॉस का लिखा है, वॉच बिग बॉस टुनाइट एट 10:30 PM। सो फाइनली दोस्तों, उस लताड़ के बाद कह सकते हैं, या फिर फाइनली उस पर्टिकुलर ओपन लेटर के बाद आई है अकल ठिकाने। और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तो अकल ठिकाने कुछ ऐसी आई है कि रुबीना को जो उसका कॉम्प्लीमेंट था, जो उसका ड्यू था, जो फैंस जिसके लिए लड़ रहे थे, वो मिल चुका है। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द फैंस आउट देयर, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द रूबी होलिक्स, टू ऑल द रुबीना फैंडम पीपल आउट देयर, जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि अपनी सिलेक्टिव कंटेंडर को विजेता बनाने का, एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड योर दिस इनिशिएटिव टुवर्ड्स द कलर्स एंड वूड, और अब उसका रिजल्ट आपके सामने है। सो गाइज, बहुत बहुत बधाइयां, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। अब आपको क्या है कहना, अभी कोई कंप्लेंट रह गई है या नहीं रह गई है, ये मुझे जरूर बताइएगा, और बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूज।